अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे स्मोकिंग या तंबाकू नोशी के बारे में। पूरी दुनिया में सिगरेट नोशी या टबैको स्मोकिंग का रुझान जो है वो बढ़ता चला गया ओवर द लास्ट 20 ईयर्स, और जिसकी वजह से स्मोकिंग के सेहत के ऊपर जो मुजी असरात हैं उनकी वजह से बेशुमार बीमारियों ने जन्म लिया। आज हम बात करेंगे कि जो सिगरेट है या टोबैको है, इसकी फसल से लेके एक्चुअली सिगरेट या तंबाकू तैयार होने तक बेशुमार केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और यही केमिकल्स जो हैं वो इंसान की सेहत पे बुरे असरात डालते हैं। तो सिगरेट में सबसे जो कॉमन केमिकल है वो निकोटीन होता है। निकोटीन जो है ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से बड़ी जल्दी डिपेंडेंस डेवलप हो जाती है, एडिक्टिव हो जाता है। इसीलिए सिगरेट पीने वाले लोगों को सिगरेट छोड़ने में निकोटीन डिपेंडेंस की वजह से बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। निकोटीन के अलावा इस स्मोकिंग मटेरियल के अंदर एसीटोन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, आर्सेनिक होता है, पोली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल लाइक पोलोनियम भी इसमें इस्तेमाल होता है। तो ये सारे केमिकल्स इन वेरियस कंपोजिशन सिगरेट के अंदर मौजूद होते हैं और इंसान की सेहत पर मुज़िर असरात डालते हैं। तो अगर हम शुरू करें फ्रॉम हेड टू टो, तो स्मोकिंग जो है वो आपकी खून की नालियों को ओवर टाइम थिक या नैरो कर देती है, और अगर ये दिमाग को जाने वाली नालियाँ तंग हो जाएं तो इंसान के अंदर फॉलेज या स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह अगर दिल में जो खून की नालियाँ दिल के मसल्स को खून सप्लाई करती हैं वो नैरो हो जाएं तो हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जिन लोगों में हार्ट अटैक होता है उनमें स्मोकिंग इज़ वेरी कॉमन रिस्क फैक्टर। इसी तरह खून की नालियाँ जो नीचे टांगों को खून सप्लाई करती हैं, जब वो ओवर टाइम सिगरेट पीने से तंग हो जाती हैं तो जिसको हम पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जब ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा हो तो कई दफ़ा लोगों की अंगूठे या उंगलियों को काटना पड़ता है, और एवेंचुअली एक स्टेज ऐसी भी आती है कि कुछ लोग जो हैं इसकी वजह से अपनी टांग भी से भी महरूम हो सकते हैं। इसी तरह जो सिगरेट का धुआं है वो आपके फेफड़ों की जो लाइनिंग्स होती है, जो एयर सैक्स होते हैं, उनको डैमेज करता है, और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जिसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ कहते हैं या दमा जिसको आम जबान में कहा जाता है वो हो जाती है, और ये डैमेज इरिवर्सिबल होता है। 10-15 साल तक रेगुलर सिगरेट पीने के बाद जो फेफड़ों को डैमेज होता है वो परमानेंट होता है, वो फिर रिवर्स नहीं होता, और ये लोग टाइम के साथ साथ ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से दिल पे भी असर पड़ता है और हार्ट फेलियर भी शुरू हो सकता है। इसी तरह सिगरेट जो है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को यानी निज़ामे इन्हज़ाम को भी इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से अक्सर लोग जो हैं वो कॉन्स्टिपेटेड भी हो सकते हैं, उनका खाना पूरी तरह हजम नहीं होता, और ओवर टाइम उनमें विटामिन की डेफिशिएंसीज डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह सिगरेट जो है वो आपके बॉडी के अंदर कैंसर्स का रिस्क जो है वो बहुत बढ़ा देता है। जितनी भी मेडिकल साइंस की अभी तक रिसर्च है उसमें स्मोकिंग एक कॉमन रिस्क फैक्टर है फॉर लंग कैंसर यानी फेफड़ों के कैंसर के लिए, इसी तरह स्टमक कैंसर के लिए, पैनक्रेटिक कैंसर के लिए, मसाना या ब्लैडर कैंसर के लिए, और इसी तरह फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर के लिए ये एक कॉमन रिस्क फैक्टर है, और स्मोकिंग बंद करने से ये वाला रिस्क भी स्टैटिस्टिकली कम हो सकता है। इसी तरह फीमेल्स के अंदर, सिगरेट पीने वाली ख्वातीन के अंदर जो है वो मीनोपॉज बड़ी अर्ली स्टेज पे आ जाती है, और जिसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं वो भी बड़ी कॉमन हो सकती है। इसी तरह जो ख्वातीन हमला होती हैं इस स्मोकिंग की वजह से, जो बच्चा है उसको भी नुकसान हो सकता है, प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है और बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। तो ओवरऑल सिगरेट के बेशुमार नुकसान हैं और इसका फ़ायदा कोई भी नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया में स्मोकिंग को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा टैक्सेस सिगरेट पे लगाए जाते हैं ताकि इसका इस्तेमाल कम से कम हो। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो है जितनी पब्लिक प्लेसेस हैं उनके अंदर सिगरेट नोशी को बंद कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद सिगरेट नोशी का रुझान जो है वो हमारे जैसे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। तो आज आपको पैगाम ये देना चाहते थे
कि सिगरेट नोशी या तंबाकू नोशी, हाँ वो सिगरेट की शक्ल में हो, हुक्के की शक्ल में हो, शीशे की शक्ल में हो या वो च्युइंगम्स की शक्ल में हो, हर हालत में ये नुकसानदेह है। सिगरेट पीने वाले यंगस्टर्स स्पेशली हु आर मैरिड और जिनके छोटे बच्चे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सिगरेट पीते हुए, इसके नुकसानात को सामने रखते हुए अपनी फैमिली, अपने बच्चों का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है और आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म को दीमक की तरह चाटता है। तो जब आपके बच्चे बड़े हों, जब एक्चुअली उनको आपकी ज़रूरत होगी, तो यू विल बी नो मोर, बिकॉज सिगरेट आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म को ख़त्म कर चुका होगा। तो अपने अलावा प्लीज़ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें, तंबाकू नोशी से परहेज़ करें ताकि आपके बच्चों पर आपका साया कायम रह सके। और मेरी ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट है अपने यंग लोगों से कि प्लीज़ स्मोकिंग को अवॉइड करें ताकि आइंदा के लिए आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। थैंक यू वेरी मच। कीप अस इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफ़िज़।